दोस्तों BS6 इंजन वाली मारुति की ये 7 सीटर कार लोगों की बनी पहली पसंद। दोस्तों अभी तक आपने हमारे न्यूज एंड हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाल बटन दबा के चैनल को कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, और साथ में दोस्तों जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन को नहीं दबा रखा तो साइड में बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, सबसे ऊपर वाले ऑल ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आप सभी को हमारी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। दरअसल मारुति सुजुकी कंपनी लगातार अपनी BS6 इंजन से लेस गाड़ियों को लॉन्च करने में लग गई है। अब मारुति सुजुकी इको को BS6 इंजन के साथ लॉन्च कर दिया है। दरअसल मारुति सुजुकी इको तेजी से बाजार में पकड़ बनाने वाली अब ये मशहूर कार बनने वाली है क्योंकि दोस्तों इसकी बिक्री काफी बढ़ चुकी है। दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि दरअसल साल 2019 में मारुति सुजुकी इको की कुल 84,000 यूनिट अभी तक बिकी थी, जबकि साल 2020 आने पर कुल 1,14,105 यूनिट की बिक्री अभी तक इस कार की हो चुकी है। मारुति इको को पर्सनल और कमिश्नली दोनों तरीके से धड़ाधड़ यूज किया जा रहा है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मारुति की इस 7 सीटर MPV साल 2019 पे टॉप 10वें नंबर पे रही है। जी हाँ, अगर कीमत की बात कर ली जाए तो दोस्तों दिल्ली में इसकी एक शोरूम प्राइस मात्र 3.40 लाख रुपीस रखी गई है, जबकि अगर टॉप वेरिएंट की तरफ हम चलते हैं तो उसकी कीमत दोस्तों 5.30 लाख रुपीस के करीबन रखी गई है। दोस्तों अगर इंजन की बात कर ली जाए तो नई इको में आप सभी को 1.2 लीटर का पेट्रोल BS6 इंजन देखने को अब मिलता है, जो कि दोस्तों आपको 73 HP की टेक्निक पावर और 110 न्यूटन मीटर के टॉर्क पर प्रदान कर पाने में क्षमता रखता है। इसके अलावा दोस्तों इस कार में आपको 5 स्पीड मैन्युअली गियरबॉक्स और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी अब नया देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करी जाए तो अब आपका दिल काफी खुश होने वाला है क्योंकि मारुति इको में अब CNG टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है। मतलब ये कार दोस्तों आप सभी को BS6 इंजन के साथ CNG वेरिएंट में भी मिलने वाली है। नई मारुति इको में अब दोस्तों सेफ्टी के लिए एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया है और ड्राइवर साइड एयरबैग्स भी आप सभी को दे दिए गए हैं और रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसी फीचर्स भी मौजूद कर दिए हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मारुति की इस MPV में आप 5, 6, और 7 लोगों की बैठने की जगह आराम से होती है। ग्राहक इसे अपनी जरूरत के हिसाब से सीटों को सेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे तो आप 5 सीटर बनाइए, 6 सीटर बनाइए या फिर 7 सीटर बनाइए। इको को मारुति ने जनवरी 2010 में हम सभी के लिए पेश किया था। अभी तक इसकी कुल बिक्री 17.5 लाख यूनिट्स की हो चुकी है। जी हाँ, 2010 से लेकर 2020 तक दोस्तों ये आंकड़ा इसने छू लिया है। अब आने वाले टाइम में दोस्तों इको MPV काफी कारों को टक्कर देने वाली है, तो अपनी राय दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये MPV आप सभी को कैसी लगी, और वीडियो को बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेगा दोस्तों हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।